हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 ऑन डिवाइडिंग दिस बाय अ पॉलिनोमियल जी एक्स द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वेयर एक्स माइनस टू एंड माइनस टू एक्स प्लस 4 रिस्पेक्टिवली फाइंड जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे क्या है कि पहले आपको एक बार रिमाइंड करवा दूँ भाई, क्वेश्चन किसको बोलते हैं, डिवीजन किसको बोलते हैं, डिवाइजर किसको बोलते हैं, डिविडेंड किसको बोलते हैं और रिमाइंडर किसको बोलते हैं। तो मैंने एक ऑलरेडी पहले से एक शीट प्रिपेयर की हुई है आपके लिए समझाने के लिए। तो देखो यहाँ पे जो यहाँ पे अंदर की साइड होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, बाहर होता है उसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको क्वेश्चन बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। और ब्रैकेट में मैंने सबका ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। जो अंदर होता है इसको पी ऑफ एक्स बोलते हैं, क्वेश्चंट होता है इसको क्यू ऑफ एक्स। तो याद रखना है क्यू ऑफ एक्स मीन्स क्वेश्चंट, पी ऑफ एक्स मीन्स पोलिनोमियल, ऐसे समझ लो दिमाग में, बी अंदर होता है वो। जी ऑफ एक्स डिवाइजर बोलते हैं एंड रिमाइंडर को हम बोलते हैं आर ऑफ एक्स। मीन्स यहाँ पे मीनिंग आर मीन्स आर ऑफ एक्स याद रखना रिमाइंडर, और क्वेश्चन मीन्स क्यू ऑफ एक्स, इसको पी एक्स एंड इसको जी एक्स बोलते हैं। ओके तो ओरिजिनली हम लिखते कैसे हैं, तो डिविडेंट इसके इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो डिवाइजर एंड क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है। कौन सा अल्गोरिदम है ये, डिवीजन अल्गोरिदम फॉर्मूला है हमारा। ओके तो उसके हिसाब से हम ऐसा लिखते हैं। उसके बाद आपको मैंने जो ये तो बताया मैंने कि डिवाइड करने वाला ओके, पर अगर इसके शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखा जाए कि ये पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये कैसे लिखा, तो सेम इसके ऊपर से लिखा कि भाई डिविडेंड किसको बोलते थे पी एक्स, डिवाइजर किसको बोलते थे जी एक्स, क्वेश्चन किसको बोलते थे क्यू एक्स एंड रिमाइंडर किसको बोलते थे आर एक्स। अब ये आया कैसे, देखो आपको ये कैसे आया डिवीजन एल्गोरिथम वो भी आपको समझना है, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। फिर भी हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 10 0, तो यहाँ पे क्या 10 यहाँ पे हमारा ये डिविडेंट है। ओके तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा क्या है डिवाइजर है और ये हमारा क्वेश्चंट है, तो डिवाइजर इंटू क्वेश्चंट प्लस ये जो रिमाइंडर बनता है वो लिख दो, तो हमारा ये डिवीजन एल्गोरिदम हो जाता है। तो आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, याद रखना है ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसा लिखा होता है डिविडेंड डिवाइजर क्वेश्चंट और रिमाइंडर ऐसा लिखा होता है, और कई बार ऐसा भी लिखा होता है पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ऐसे भी मीन्स ये चारों में से कोई एक ढूंढना का हो ऐसा बोला होता है। तो मीन्स ये और ये फॉर्मूला दोनों एक ही है, बरोबर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसको पूरे नाम के साथ लिखा हुआ है। ओके तो लेट अस वी स्टार्ट हियर। यहाँ पे क्या है, ऑन डिवाइडिंग दिस बाय अ पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स हम किसको बोलते थे, हमारा जो डिवाइजर था उसको जी ऑफ एक्स बोलते थे द, और ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा पी ऑफ एक्स हो गया। तो यहाँ पे हम लिख इसको बोलते हैं पी ऑफ एक्स फिर बाय अ पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स, मीन्स जी ऑफ एक्स से हम डिवाइड करते हैं, और क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वेयर दिस एंड दिस, और क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, तो क्यू ये हमारा क्यू ऑफ एक्स हो गया और ये हमारा हो गया रिमाइंडर आर ऑफ एक्स हो गया। ओके तो हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, तो भाई ये हमारा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इन प्लस आर ऑफ एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है। तो सारी वैल्यू जो जो हमने बोले वो इसके अंदर पुट कर देते हैं, उसके बाद जो मिलेगा वो हम फाइंड कर लेंगे। अब फाइंड क्या करना है, जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। ओके तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे पी ऑफ एक्स है, तो पी ऑफ एक्स क्या है हमारा, पी ऑफ एक्स है ये रहा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, तो ये हमारा पी ऑफ एक्स है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा क्यू ऑफ एक्स क्या है, क्यू ऑफ एक्स क्वेश्चंट एंड रिमाइंडर, तो ये हमारा क्यू ऑफ एक्स है, तो एक्स माइनस 2 है इंटू हमारा जी ऑफ एक्स, वो तो हमको फाइंड करना है, तो जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ये हमारा तो क्या है माइनस 2x प्लस 4। ओके तो ये जितनी वैल्यू बोली थी हमने यहाँ पे लिख दी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आर ऑफ एक्स है उसको इक्वल टू के वो साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पे जो साइन होगी वो चेंज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये माइनस 2x है ये साइड जाएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 4x का माइनस 4 हो जाएगा,
और यहाँ पे ये साइड चला गया तो बचा इतना, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू बचा और क्या बचा, जी ऑफ एक्स बचा। ओके, अब यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर, ये एक्स और टू एक्स, ये हो जाएगा थ्री एक्स, और टू और माइनस टू हो जाएगा माइनस टू, इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू जी ऑफ एक्स, ऐसा बचा। अब ये एक्स प्लस टू को नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो मीन्स इसका मीनिंग ये हुआ कि ये हमारा जो पॉलिनोमियल है इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमको जी एक्स ऑफ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हमको लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना आप, ये डिवाइड करना है एक्स प्लस टू से, इसको डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, ऐसे डिवाइड करेंगे और यहाँ पे जो ऊपर आएगा वो हमारा आंसर होगा, मीन्स जी ऑफ एक्स होगा। तो लेट अस वी स्टार्ट हियर, तो यहाँ पे रफ वर्क बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो हमको एक्स स्क्वायर ऊपर रखना है। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे एक गलती हो गई है, यहाँ पे हमने एक्स माइनस टू की जगह एक्स प्लस टू, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये माइनस है। ओके, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो हमने गलती कर दी थी इसलिए। ओके, तो यहाँ पे एक्स माइनस टू को यहाँ से डिवाइड करना है, तो चलो एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स क्यू टू इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स स्क्वेयर डिवाइड कर रहे हैं, क्या माइनस प्लस, ये कट हुआ, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, अगेन वापस माइनस एक्स स्क्वेयर है हमारे पास, एक्स है नीचे, कट हो गया, क्या बचा, माइनस एक्स बचा, तो माइनस एक्स से हम डिवाइड करेंगे, एक्स इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर, और माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू एक्स प्लस माइनस, ये दोनों कट हो गया, तो अब क्या बचेगा, एक्स माइनस टू। ओके, अब एक्स माइनस टू है तो एक्स माइनस टू, यहाँ पे एक्स माइनस टू है तो सिंपल सी बात है, माइनस वन कर लेंगे, सॉरी प्लस वन कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक एक्स इंटू वन, तो एक्स माइनस टू इंटू वन, तो माइनस टू, साइन चेंज कर देगा माइनस प्लस, तो ये दोनों कट हो गया, ये दोनों कट हो गया, तो ज़ीरो। ओके, तो हमको ज़ीरो मिल गया। तो यहाँ पे हुआ क्या, इसको ऊपर वाले को मीन्स डिनोमेटर न्यूमरेटर को डिनोमेटर से डिवाइड किया, ये न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है उसको हमने डिनोमेटर से डिवाइड किया, डिवाइड किया तो आंसर क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन मिला, तो हमारा जी ऑफ एक्स क्या मिला, ये मिला, तो देयरफॉर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये हमारा आंसर है। ओके, अब आपके लिए मैंने इसका क्वेश्चन भी निकाले हुए हैं, तो ये आपके क्वेश्चन हैं, तो इसमें यहाँ